के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा के मंडल जिला महानगर क्षेत्र व प्रदेश के मुख्य पदाधिकारियों को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा गठबंधन में ना तो नेता है, ना नीति है और ना ही नियत। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किया गुरु गोरक्षनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन सदर लोकसभा से दो तथा बांसगांव से एक प्रत्याशी ने किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी ने भी किया दोबारा नामांकन। सदर लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद ने किया नामांकन, कहा जीत चुके हैं चुनाव, क्षेत्रीय और बाहरी की है लड़ाई। भाजपा प्रत्याशी रवि किशन का दो सेट सहित तीन सेट में नामांकन हुआ पूरा, समर्थकों के साथ खिंचवाई सेल्फी, गठबंधन के प्रत्याशी से भी मिलाया हाथ, कहा विचारधाराओं की है लड़ाई। बांसगांव लोकसभा से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी सदल प्रसाद ने दाखिल किया पर्चा, कहा पहुंच रहे हैं दिल्ली। रात्रि चेकिंग अभियान के तहत कैंट पुलिस को मिली सफलता, बिना अनुमति पत्र के चुनाव प्रचार सामग्री ले जा रहे दो लोगों को लिया हिरासत में। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में महागठबंधन के सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद के बिगड़े बोल, भाजपा प्रत्याशी को कहा नचनिया, सदल प्रसाद ने कहा हमारा किसी से कोई नहीं है मुकाबला। लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के सीसीटीवी कैमरे से हो रही है निगहवानी, एसएसपी ने कहा पल पल है सुरक्षा पर नजर, नहीं होने पाएगी कोई चूक। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी ने बनाया स्टार प्रचारक, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा करूंगा जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक पालन। कैंपियरगंज पुलिस ने अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, एएसपी ने कहा कई आपराधिक मुकदमों में चल रहा था फरार, बुधवार को हुई गिरफ्तारी। चौथे चरण के मतदान को संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस खीरी जनपद के लिए हुई रवाना, एएसपी साउथ ने की ब्रीफिंग, कहा सकुशल संपन्न कराकर आए चुनाव। इलाहाबाद बैंक गोरखपुर ने अपने सिविल लाइन शाखा का 155वां स्थापना दिवस समारोह का किया आयोजन, जिला न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। और सदर लोकसभा सीट से भारत प्रभात पार्टी की गीता देवी ने किया नामांकन, कहा बेरोजगारी, पलायन, बंद चीनी मिले और विकास है मुख्य मुद्दा।